दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी मैं कंटेंट बना रहा था, तू पता है अभी कंटेंट बनाते बनाते मैंने एक न्यूज़ देखा कि उस न्यूज़ में अभी यूपी बोर्ड में जो पेपर हुआ है उसमें स्टूडेंट लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं उसकी कॉपी जांच हो रही है। तो एक बच्चे ने आगरा में जीव विज्ञान परीक्षा में कुछ ऐसा लिख दिया जो शिक्षक सोचने के लिए भी मजबूर हुए और हंसी भी आई। अब सोचिए, ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही है कि मैं ये मेंटलिटी दिखाना चाहता हूँ कि हम उम्मीद करते हैं एक सर हमारा रिजल्ट नहीं होता है। अब सोचो, ऐसे ऐसे बच्चे जब ये करेंगे आगे चल के, यही बच्चे एग्जाम की तैयारी करेंगे, कैसे होगा रिजल्ट, होगा रिजल्ट। अब आपको भी लग रहा हो सर ऐसा क्या लिख दिया बच्चों ने, तो आइए देखते हैं दोस्तों, समझते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है। देखिए कि जीव विज्ञान के कॉपी में लिख दे राम कथा। परीक्षार्थी ने कॉपी में क्या लिखा कि राम को तो मैंने नहीं देखा है, फिर भी वह सभी के दिलों में राज करते हैं, मानो तो भगवान मानो तो इंसान कहते हैं। राम जी ने जो पुल बनाया वह पानी के ऊपर है, जो पानी में पत्थर है उस पर जय श्री राम लिखा है। परीक्षार्थी ने यह भी लिखा कि हनुमान जी कभी नहीं हारे, लवकुश ने उन्हें बांधा जरूर था, वह चाहते तो छुड़ा लेते, पर हनुमान जी को पता था कि वह श्री राम जी के बेटे हैं। मतलब बच्चा कथावाचक बहुत अच्छा है, लेकिन सोचो कि जीव विज्ञान की कॉपी में, अगर हिंदी की कॉपी में लिखता, संस्कृत की कॉपी में लिखता तो थोड़ा समझ में आता बात, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लिखा बच्चा, तो वह बच्चे ही जानता है। अब सोचो ऐसे बच्चे जब आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्या रिजल्ट कैसा होगा, है ना। तो प्लीज बच्चे ऐसा ना करें, है ना, जिससे आपको आपके जो फ्यूचर हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि माता पिता बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और आपके पीछे खर्च करते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे रीजन यही है कि बच्चे कम से कम जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है, खासकर जो बेस आपका है वो स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आपका अगर बेस कमजोर होगा ना तो आगे चलकर फिर आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। चलिए तो दोस्तों, ये वीडियो लाने के पीछे रीजन यही था कि आप कम से कम अपने आसपास के बच्चों, अगर आपका कोई भाई या बहन है या फिर कोई दोस्त यार है तो ध्यान दें, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मेरी क्लास सुबह 8:30 बजे, 10:15 पे सुबह, शाम को 5:15 पे होती है बाबा के दिए पे।